राम राम सा, मैं हूँ गीता चौधरी। आज अपा बनावा राजस्थानी प्याज और बेसन रा पकोड़ा। बारिश रो मौसम चल रियो है, इन महीने गर्मा गर्म की ना की खाऊनो तो मन हिंगरोई कर ही जाए। इन महीने आप घर में पड़ी सामग्री प्याज और बेसन इतना बढ़िया पकोड़ा बनान तैयार कर सको, क्योंकि प्याज और बेसन तो सबार घर में मिल जाया करे के दे देती रो घोड़ियो बनयान गर्मा गर्म जीमिया। तो हाला बनावण हरू करो। तो सबु पलाट में चार मीडियम साइजरा प्याज लिया। प्याज ने छोल और बढ़िया धोई लिया। हमें अपो इन तरीके लंबा लंबा काट लेवा। ए पकौड़ा बनाने वास्ते प्याज एकदम लंबा लंबा रखो, जो पकौड़ा है जिसका एकदम बढ़िया बनी। छोटे छोटे मैया मैया नहीं बोटना है। ये देखो, इन महीने आप आधो चमचू नमक घाल देव है। हाथों हकरा मसलो बिनू इन्हें लच्छा है जगह एकदम सब अलग अलग उजी। तो पकोड़ा है जगह एकदम सही सही बनन तैयार हुई। नो एक पकोड़े में बहुत सारा कौंदा आजी जन बे सही नहीं लागे। इन वास्ते थोड़ो नमक नेक ने बढ़िया यूँ मिक्स करो जिन्हें अलग अलग उजी। अट मैं चार एक हरी मिर्च ली हूँ, एने बीज अलग काट मई बोट ले। हरी मिर्च एर पकौड़ा मैंने थोड़ी बढ़िया लागे, इन वास्ते थो ज़्यादा भी ले सको थोड़ी। एन थोने मिर्च कम खावनी पसंद है तो थोड़ी कम भी कर सको। मिर्ची है जी आप मई बोट आए, मोटी मोटी नहीं बोटनी है। बिन बाद में आप दो चम्मच लाल मिर्च रो पाउडर डाल देव, आधो चमचो हल्दी, आधो चमचू धना, आधो चमचू नमक नेक देव। नमक आप पहला नेक्यो, इन वास्ते बिन साबू नेकनो। चुटकी एक हींग नेक देव, एक चम्मच कूटियोड़ा धना है, साबुत धना हुए बैन कूटन ले लिया। आधो चमचो इजू नेक दियो, आधो इंच अदरक रो टुकड़ो लियो। बिन इन तरीके कद्दूकस करन गाल देव या पच कूटन भी नेक सको। अट मैं आधी कटोरी लिया हूँ चावल, चावल हुआ नहीं बैन आप मिक्सी मोइन घर पी इस पर एकदम मैया है बै ले लेना। साबु चार एक चमचिया है इन लोगों नहीं है। एन अट मैं एक बाउल बेसन लियो हूँ और थोड़ थोड़ो करन आप घाल देव। अपने जितना पकौड़ा बनावना है बिने साबु आप कम ज़्यादा भी कर सको। तो चावल रे आटे री जगह पोया रो आटो बनान भी ले सको। पोया वे बैने मिक्सी में थोड़ा पीस लो एन पची मोइन गाल दो। इन वह पकौड़ा है जगह ना आप कुरकुरा बनी एन एकदम बढ़िया बनी। एक बार थो इन तरीके जरूर बनाई जो। चावल तो सबारे घर में मिली जाया करे, पोया तो कहीं नहीं मिले पर चावल तो लगभग सबारे घर में वेज करे। एन पैन मिक्सी में थोड़ा पीस लेना एकदम मैया पचपे गाल देना। हल्ला नहीं गालना है, चार एक चमचीज गालना है। हैंग चीज़ों ने आप मिलाई ली बढ़िया है। अब इन महीने आप ली लिया धड़न एकदम और बेसन है चुको मैं थोड़ा थोड़ा कर हगलो ही गाल दी हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा करन ही गाल लो एन पानी एकदम थोड़ा थोड़ा करन गाल लो। हलो नहीं गाल लो एक हाथे नहीं हो बेटर है जो गिल्लो हो जाला। तो थोड़ा थोड़ा पानी गालता रहो एन इन बढ़िया मिलावता रहो। ए पकौड़ा बनावना हाव हो रहा है ना, बार बारिश री सीजन चल रही है तो गर्मा गर्म थोई घर में बनान जीम सको। ज़्यादा की बारू लौनी भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बेसन भी अपन घर में मिल जाया करे, कौंदा भी मिल जाया करे। लीला धोना नेक सको थोड़ा, लीला धोना नहीं हुए तो कसूरी मेथी मिल जाए तो थोड़ी घनी बा घाल दो महीने तो भी बड़ी बनी। तो अपन घोड़ियों बनन तैयार है। इन बाद में मैं कढ़ाई रे महीने तेल रख दियो गर्म होनास्ते। तेल एकदम बढ़िया गर्म उगो है एन पच गैस ने एकदम धीमो ही राखणो है। खा तो गैस राखला तो पकोड़ा है जिका बारू तो बल जाला मोइनू काचा रह जाला। इन वास्ते थोड़ो धीमो राखनो गैस ने जन पकोड़ा एकदम सही सही बनन तैयार हुई। अट मैं तिल्ली रो तेल लियो हूँ, इन वास्ते थोड़ा झाग आवे तेल रे माते। अथवा दूजो तेल लेव जन तो एकदम सही सही बन जावे, पर तिल्ली रो तेल अपन शरीर वास्ते बढ़िया रिया करे और अपन घरे घणी रो तेल है। तो देखो इन तरीके अपन ने अलट पलटन बढ़िया सेक लेव। थोड़ा धीमो गैस रहे जो एकदम बढ़िया कुरकुरा पकोड़ा बने जगह जिमने मना भी बढ़िया लागे। ए पकोड़ा है जगह गरम गरम ही झकरा लागे, ठंडा हुआ पर झकरा नहीं लागे। जैसे दाल रा पकोड़ा का बनाओ तो ठंडा हुआ बाद में बहन हल्का फाचा गरम कर लो तो ये बढ़िया लागे। पर एर पकोड़ा ऐज खासियत है कि एने बढ़िया गरम गरम बनावना गरम गरम ही जीमना जन जे हल्ला बढ़िया लागे। ठंडा हुआ पर थोड़ा हकरा नहीं लागे। तो ये देखो पकोड़ा हकरा तलीज गए तो एने आप बाहर काढ़ लेव। इन्हीं तरीके हूँ हगला ही पकोड़ा बना तैयार कर लेव। इन्हें ध्यान ही तो ही राखण है, बस के गैस थोड़ो घोड़े राखणो है। पकौड़ा थोड़ा छोटा छोटा काटना है, हल्ला मोटा मोटा लो धनी नेकना है। हल्ला मोटा काटो जन बे मईनू काचा रह जाए जी मैंने हकरा नहीं लागे। तो इन वास्ते थोड़ी साइज है री छोटी राखनी एन गैस थोड़ो धीमो राखणो जन पकौड़ा एकदम बढ़िया बढ़िया बन जी। तो देखो कितना बढ़िया बनिया है। इन प्याज रा पकौड़ा तो सबों ने पसंद आवे, किने पसंद नहीं आवे सबों ने हकरा लागे।
तो लोसा ए अपना गर्मा गर्म प्याज रा पकौड़ा बनन तैयार है। दो चार हरी मिर्च ने लास्ट में तड़परी ने रख दी, भाई बहुत बढ़िया लगी है हाथे। तो वीडियो थाने केड़ो लगो मन कमेंट करन जरूर बताइजो। तो बड़े मिलाला एक नई वीडियो आते जड़ते ही। राम राम सा।